हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रात का समय है, लगभग 10:15 का टाइम हो रहा है। सभी लोगों ने डिनर कर लिया है, मैंने भी कर लिया है, और मैं फटाफट से ये बर्तन धुलकर रख दे रही हूँ और किचन को भी साफ कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रात में ही ये सारे काम कर लेती हूँ। किचन हमारा जब साफ रहता है तो सुबह काम करने में हमें अच्छा भी लगता है और जल्दी जल्दी काम हो भी जाता है। तो बस मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं और अब किचन को भी साफ कर ले रही हूँ। और आज बच्चों के लिए बनाना है ट्राई कलर की कोई रेसिपी, क्योंकि बच्चों को ले जाना है कल ट्राई कलर का फूड। तो बेटे को तो नहीं ले जाना है, लेकिन बेटी की टीचर ने बोला है कि आप कल फूड में ट्राई कलर का फूड लेके आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ अच्छा टेस्टी सा बनाती हूँ, ताकि उसे खाने में भी अच्छा लगे और झटपट बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने ये ब्रेड मंगा कर रखा था और ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। तो बस मैं इसे लेकर आ गई हूँ किचन में, और इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है, तो मैं बंद कर देती हूँ इसे। और यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस ली है, और इसी से आज ट्राई कलर की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी बेटी के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपके भी बच्चों के टीचर ने बोला है कि ट्राई कलर में बच्चों को कल लंच बॉक्स देना है, तो इस तरह से इसे बनाकर आप दे सकते हैं। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है, और सुबह इतनी जल्दबाजी रहती है, दोनों ही बच्चों को अलग अलग लंच बॉक्स मुझे देना है, तो मैं इसे रात में ही बना ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 4 ब्रेड की स्लाइस ली है, और इसके जो ब्राउन पार्ट्स हैं किनारे के, इसको मैंने निकाल दिया है चाकू की हेल्प से, और इसको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में मैं तोड़ ले रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर इसको दरदरा सा बना लेंगे, यानी कि इसका ब्रेड क्रम जैसे बनता है उसी तरीके से इसको हम बना लेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर के जार को एक दो बार इस तरह से मिक्सी को चलाएंगे तो ये अच्छे से इस तरह से दरदरा बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए, मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है, और कुछ इस तरीके का हमारा ये ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें हमें ब्राउन पार्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है, केवल ब्रेड के वाइट पार्ट का ही यूज करना है। इसके बाद ये मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो आधा कप मैं यहाँ पे ये नारियल का बुरादा इसमें डाल दे रही हूँ, साथ ही इसमें मैं 1/3 कप इसमें चीनी डाल दे रही हूँ, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने चीनी यूज की है, इसको मैंने पहले से ही पीस कर रखी थी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए अक्सर केक वगैरह बनाती रहती हूँ, तो चीनी को मैं पीस कर रखती हूँ। तो इसमें छोटी मोटी गुठलियाँ आ गई हैं, आप अगर इस तरह से पहले से चीनी पीस कर रखे हों तो उसको हल्का सा आप छन्नी में छान लीजिए, ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। चलिए, मैं इसे हाथों से ही जो भी गुठलियाँ हैं उसे तोड़ दे रही हूँ इस तरह से। उसके बाद इसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून भर कर ले लिया है मिल्क पाउडर, इसे डाल दिया है, और साथ ही इसमें मैंने ये दूध की मलाई उतार कर रखी थी, तो 2 चम्मच भर कर मैं इसमें दूध की मलाई डाल दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, बिल्कुल मावे वाला। और इसके बाद मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो जैसा बनाकर रेडी करना है। तो बहुत ही इजी है ये बनाना, और बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से आप बच्चों को झटपट बनाकर मिठाई खिला सकते हैं। मैंने तो इसे ट्राई कलर में बनाया है, आप चाहे तो इसे एक ही कलर में बनाकर दे दीजिए। तो बच्चों का जब भी झटपट कुछ मन हो मीठा खाने का, तो इसे आप बना सकते हैं, और मेरे बच्चों को मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने सोचा चलो अब मैं बच्चों के लिए मीठा ही बनाकर देती हूँ इनको लंच बॉक्स में। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने अलग से कोई भी पानी या दूध का यूज नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो मिश्रण है ये ड्राई ड्राई सा है, तो आप इसमें 1-2 बूंद दूध का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने 3 अलग भागों में बांट लिया है, और 1 भाग इसका लेकर और इसमें ये डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इससे हमारा ये केसरी कलर का हो जाएगा, यानी ऑरेंज कलर का, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें फूड कलर भी नहीं डालना है, 2-3 ड्रॉप इस तरह से डालेंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। तो बस मैं इस तरह से इसे करके रख ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, और इधर मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है मिश्रण का, और इसमें डाल दिया है मैंने ये ग्रीन फूड कलर। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ग्रीन फूड कलर भी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि इससे भी बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाता है, और ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें कड़वापन सा आने लगता है। तो बहुत ही पर हल्का सा आप डालिए, इसे देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ जाता है। और इस तरह से ही इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे ही हमारे मिश्रण में अच्छा सा एक ग्रीन कलर आ जाए। और इस तरह से देखिए, इसको मैंने कर लिया है, तो इसको भी मैं रख देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीनों ही कलर, यानी कि ट्राई कलर, तिरंगा कलर का ये हमारा मिश्रण बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। तो बस अब हमें क्या कर
करना है कि इसको सेट करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये लंच बॉक्स ले लिया है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें इस तरह से फाइल पेपर नीचे लगा दिया है और इसके बाद इसी में मैं इसको सेट करके रखूँगी। आप कोई भी आपके पास प्लास्टिक का डिब्बा हो या फिर कटोरी या फिर कोई भी चीज़ आप जिसमें इसे जमाना चाहते हो आप इस तरह से सेट करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले लगाया है ये ग्रीन कलर वाली लेयर और इसको मैं पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ, एक पतली सी लेयर इसमें बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर फाइल पेपर का यूज किया है, आप चाहे तो आपके पास बटर पेपर हो तो उसे भी इसमें लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो मिठाई है ये इजिली निकल जाएगी, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी हमें इसे डीमोल्ड करने में। और इसके बाद देखिए मैंने बीच में ये वाइट कलर वाला मिश्रण इस तरह से फैला दिया है, तो इसको हमें अच्छे से हाथों से एक सार सा कर लेना है ताकि चारों तरफ हर साइड अच्छे से एक ही बराबर की मोटाई की हमारी लेयर लगे। और लास्ट में मैंने ये ऑरेंज कलर वाली लेयर इस पे लगा दी है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ रहा है, बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई खाने में। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों को, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो इसको बनाने में हमें गैस का यूज़ बिल्कुल करना ही नहीं है, बिना गैस जलाए ही ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर वाला भी इस तरह से लगा दिया है मिश्रण और पूरे को अच्छे से एक सार सा कर लिया है। और बस अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से कवर करके और फ्रिज में रख देंगे। तो बस मैंने इसे रात में ही बनाकर रेडी कर लिया है ताकि मैं इसे रात भर फ्रिज में रख दूँ, ये अच्छे से जम जाती है। वैसे भी इसे आधे एक घंटे के लिए आप रख देंगे तो भी ये अच्छे से जम जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लगाकर और इसे रख देती हूँ फ्रिज में और सुबह के समय इसे डीमोल्ड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो गया है और मैं आप लोगों को अपने किचन गार्डन का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैं फ्रिज से निकाल कर लेकर आ गई हूँ बच्चों के लिए, ये जो मिठाई मैंने बनाई है ना इसके लिए सुबह सुबह ही बच्चे उठ गए थे मेरे और खाने के लिए परेशान है, लेकिन मैंने बोला नहीं आप लोगों को लंच बॉक्स में ही दूंगी इसे ले जाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से खोल लिया है और ये देखिए इस तरह से ये हार्ड हो गई है, बहुत ही अच्छे से जम जाती है, जैसे पहले गीली थी तो ये गीली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो बस इससे हम फॉइल पेपर इस तरह से निकाल देंगे, इसे डीमोल्ड कर लेंगे और देखिए इस तरह से हमारी ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, झटपट बनने वाली ये मिठाई है। तो इस तरह से देखिए तीनों ही कलर इसमें अच्छे से सेट हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस मैं इसे रख देती हूँ इस तरह से, उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपके बच्चों को खाना पसंद हो या जैसे ही पीस में आप कट करना चाहते हो इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे रेक्टेंगल शेप में यानी कि लंबाई में इसे कट कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा बड़ी बड़ी पीस निकले इससे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं तीनों ही लेयर कितने अच्छे से निकल कर इसमें आई है। तो ये हमारी ट्राई कलर की यानी तिरंगा कलर की मिठाई बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो बस फ्रेंड्स, मैं इसे फटाफट से बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ और साथ ही मैंने सैंडविच भी बना ली है तो उसे भी बच्चों को दे दूंगी ताकि बच्चों को खाने में अच्छा लगे, मीठा और थोड़ा सा नमकीन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। और आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।